फ्रेंड्स, नेचुरली खूबसूरत स्किन पाने के लिए आप टमाटर का प्रयोग कीजिए अपने चेहरे पर, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, आपको बताता हूँ कि कुदरती खूबसूरती के लिए आपको टमाटर को किस तरीके से फेस मास्क के रूप में लगाना है। देखिए, टमाटर में ऐसे कई तत्व तो पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह त्वचा को कुदरती तौर पर निखारने का काम करता है और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है और सनस्क्रीन की तरह त्वचा की देखभाल करता है। दोस्तों, सेहत बनाने के लिए तो हम टमाटर खाते हैं, सलाद में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपना रंग निखारने के लिए, अपनी स्किन की त्वचा की देखभाल के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हमें टमाटर का इस्तेमाल करना है चेहरे के लिए, क्योंकि टमाटर में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। ये त्वचा को कुदरती तौर पर निखारने का काम करता है और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है और सनस्क्रीन की तरह त्वचा की देखभाल करता है। एक लाल लाल ये टमाटर आप देख सकते हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। ये त्वचा की नमी को बनाए रखता है और पोषित करता है, और ये तो आपकी स्किन के जो रोम छिद्र हैं, रोम छिद्रों में इसका रस अंदर तक जाकर आपकी स्किन को पोषण देता है। तो आप चाहें तो आवश्यकता अनुसार, सहूलियत के लिए अनुसार टमाटर का फेस पैक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए टमाटर का फेस पैक बनाना तैयार करते हैं, किस प्रकार आपको टमाटर का फेस पैक बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टमाटर का आधा हिस्सा काट लिया है। इस टमाटर में से जो अंदर का इसका रस है वो मैं इसमें निकाल लूंगा। इसको थोड़ा दबा लेंगे, पिंच कर देंगे तो इसके अंदर का जो पल्प होगा वो बाहर आके रस आ जाएगा। फ्रेंड्स, टमाटर में लाइकोपिन नामक एक तत्व होता है जो कि हमारे स्किन की पोषण देता है, हमारी स्किन को और पोषण और चेहरे से गंदगी को साफ करने में मददगार होता है। सेकंड चीज जो आपको इसमें चाहिए, वह आपको चाहिए बेसन। बेसन एक अच्छी तरह उपटन की तरह काम करता है और ये रोम छिद्रों में जमा मैल और गंदगी को निकालता है। तो एक चम्मच आप बेसन की ले लीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है गुलाब जल। गुलाब जल स्किन को नमी प्रदान करता है और गुलाब जल जो चेहरे पर, हाँ, आपके चेहरे पर अगर गंदगी, धूल मिट्टी के कण जो चिपक गए हैं उनको निकालने में मदद करता है ये गुलाब जल। फ्रेंड्स, अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये फेस पैक बनके तैयार हो जाएगा। इसमें हमने टमाटर का रस, बेसन और गुलाब जल का प्रयोग किया। ये तीनों चीजें ही आपके चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और आपके चेहरे को गोरा करने में मदद करती हैं, चेहरे के दाग धब्बों को भी दूर करती हैं। और दोस्तों, टमाटर ये हमारे स्किन के जो रोम छिद्र होते हैं अंदर तक जाकर सफाई करता है और अंदर तक जाकर पोषण देता है। अब इसको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि अपने चेहरे पर आपको सर्कुलर मोशन में ऐसे स्क्रब करना है। तो फ्रेंड्स, इन नुस्खों का प्रयोग मैं खुद अपने ऊपर भी करता हूं तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स जो इसके बेसन के जो ये छोटे छोटे दाने हैं, ये आप करेंगे क्या, ये रोम छिद्रों में जमा डेड सेल्स को निकालने का काम करेंगे। तो जब 10 मिनट तक आपके चेहरे पर स्क्रब हो जाए इस पेस्ट से, तो आपको करना क्या है कि आपको 20 मिनट तक अपने चेहरे को सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर 20 मिनट के बाद साफ पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपकी त्वचा में ग्लो आ जाएगा और आपकी स्किन पर जो टैनिंग हो गई थी वह भी हट जाएगी। फ्रेंड्स, इस फेस मास्क का प्रयोग करने से आपका चेहरा खूबसूरत, बेदाग और सुंदर दिखने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, और ऐसे ही वीडियो और आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहें। बाय बाय।